फ्रेंड, मैं आपका तरह मेरा लेके आऊँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँगा पैनक्रियाटिक प्रोटोकॉल के बारे में। इसमें आपको अच्छी नॉलेज दूंगा। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन डालेंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन डालने के बाद अच्छे से चेक कर लेना नाम इस वगैरह। उसके बाद हम एग्ज़ाम पे जाएंगे। एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद हम पेशेंट की पोजीशन चेक करेंगे, पेशेंट कैसे लेटा हुआ है, फीट फर्स्ट है या हेड फर्स्ट है। इसमें से हम सेलेक्ट करने के बाद हम प्रोटोकॉल में जाएंगे। प्रोटोकॉल जैसे कि इसमें आपने सेव करा होगा, जैसे मल्टी एब्डोमेन करके हमने सेव करा हुआ है, आपने इसमें कुछ नहीं करना। सेलेक्ट करने के बाद तो आपने अच्छे से देखना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आपने एक बार अच्छे से इसमें जो आपके फेस चाहिए उस अकॉर्डिंग आपने इसको देख लेना है, जैसे टोपोग्राम, नॉन कंट्रास्ट। उसके बाद प्री मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग के बाद उसमें मॉनिटरिंग है हमारी अटीरियल, पोर्टल, वीनस, डिले। ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना है, जो पाउज वाला है तो हमने हटा देना है। पाउज का मतलब हो जाता है कि जब मशीन का आपका वीनस फेस आएगा उसके बाद पाउज लेगी, रुक जाएगी। उसके बाद आपको मैनुअल स्टार्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग कि कितने मिनट बाद आपको चाहिए। ठीक है, यदि आपको पाउज चाहिए है तो आप मैनुअली करना मैनुअल कर लिया, बट मैं मैनुअल नहीं कर रहा तो मैंने इसलिए हटा दिया है। तो इसमें आपको एक और बात का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने इसको प्रेस करना है, हमने लोकलाइजर लेना है। लोकलाइजर लेंगे, जिसे हम टोपोग्राम बोलते हैं, लोकलाइजर सॉरी एमआरए में बोलते हैं, तो टोपोग्राम बोल देते हैं इसको। तो हमने इसको ओके करना है। हमारे पास टोपोग्राम आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा जूम कम कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके कि मैं प्लानिंग कौन सी कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत से जो फेस हमने लेने हैं तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास इसका एफ ओ वी आ गए हैं, मल्टी एफ ओ वी आ गए हैं। बट हमने जो ध्यान देना है वो हमने नॉन कंट्रास्ट वाला ध्यान देना है। सबसे पहले एक नॉन कंट्रास्ट लेंगे हम। हमने प्लानिंग करी है जहाँ से हमारा डोम्स ऑफ डायफ्राम स्टार्ट होता है, लीवर स्टार्ट होता है, उससे थोड़ा ऊपर नीचे प्यूबिक सिम्फाइसिस होते हैं, उससे थोड़ा डाउन, जैसे कि आपको पता है कि एब्डोमेन की प्लानिंग हम कैसे करते हैं, उस अकॉर्डिंग हमने इसको एफ ओ वी ले लेना है। एफ ओ वी लेने के बाद हमने इसको लोड करा। लोड करने के बाद मूव टेबल का साइन आ रहा है, मूव कर रहा हूँ, जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है वो टेबल आप वहाँ से मूव हो रहा है। ध्यान से देखोगे तभी आपको दिखाई देगा। मूव होने के बाद थोड़ा वेट लेगा, वेट होने के बाद स्टार्ट का ऑप्शन आएगा हमारे पास कि हम स्कैन स्टार्ट करना चाहते हैं, जैस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैंने प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो जो इसके सेकंड इसमें आ रहे हैं, तो सेकंड वो सांस रोकने के लिए बोल रहा है। तो उसके जो अभी स्कैन आ रहा है वो सेकंड, इतना टाइम हमारी जो स्कैन है वो चलेगी। देखिए सारा एब्डोमेन आपके पास आपके पीसी पे दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से। जो हमारा नॉन कंट्रास्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं अभी इसको रिकॉन कर रहा हूँ। जो हमारे कट्स से वो हमें 5 mm के कट्स मिल रहे थे, रिकॉन करने के बाद जो इसके कट्स हैं हमें 1.5 mm के कट्स मिलेंगे। रिकॉन हो रहा है कंप्लीट एब्डोमेन। जैसे जैसे रिकॉन हो रहा है वो आपको जो लाइन दिख रही है वो नीचे को जा रही दिखाई दे रही है कि इतना ऊपर वाला एरिया सारा रिकॉन हो गया, तो इससे नीचे वाला एरिया जो इसमें जा रहा है वो सारा रिकॉन हो रहा है। रिकॉन का मतलब होता है कि जैसे हम स्टैट स्कैन करते हैं तो उसमें 5 mm के कट्स लेते हैं, ठीक है ना, तो उसमें टाइम हमारा कम लगता है। यदि हम 1.mm के जब 1.5 के हम कट्स लेते हैं तो उतना टाइम लगेगा। मान लीजिए 5 mm में पेशेंट को लगता है 10 सेकेंड, तो हम 1.5 या इससे भी कम लेते हैं तो उसके कट लेने में हमें 100 सेकेंड लगेंगे, क्योंकि 5 mm में हो गया 10 सेकेंड, तो उसमें हमने इससे ब्रीक कट लेंगे तो उतने ज़्यादा हमारा टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी। तो रिकॉन हो गया। रिकॉन होने के बाद आपने क्या करना है, जो अटीरियल है उसकी प्लानिंग कर लेनी है कि हमें कहाँ से कहाँ चाहिए। डोम्स ऑफ डायफ्राम से हमारा स्टार्ट होएगा और लोअर पोल ऑफ किडनी तक हमने लेना है। ठीक है ना,
लोअर पोल ऑफ किडनी तक इसलिए लेना है ताकि इसमें जो लीवर है आपका कटे ना। कभी कभार पेशेंट को हेपेटोमगैली होती है, लीवर का साइज़ बड़ा होता है तो आपको नहीं पता चल पाता कि लीवर कट जाएगा या नहीं कटेगा। कभी कभार होता है पेशेंट डीप ब्रीथिंग करता है तो उसके कारण भी हमारा जो लीवर है ऊपर को हो जाता है या नीचे को हो जाता है, ठीक है ना। तो सांस लेने की जो प्रॉब्लम होती है उसके कारण कभी कभार कटा जाता है। यदि आप लोअर पोल ऑफ किडनी तक लोगे तो आपका नहीं कटेगा। अटीरियल की सेम प्लानिंग, पोर्टल की सेम प्लानिंग। अभी जो वीनस है, वीनस तो हमने फुल देना है ऊपर से लेके प्यूबिक सम्पाइसेस जैसे हमने नॉन कॉन्ट्रास्ट करा हुआ था सेम उसी की प्लानिंग करनी है, ठीक है ना। आप देख रहे हो अच्छे से। तो अभी मैंने क्या करा है, जो अटीरियल का है उसको कॉपी कर लिया है, कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। जो हमें यहाँ पे डबल अटीरियल लेना है, अभी डबल अटीरियल का क्या क्या मेन रोल है ये आपको तभी पता चलेगा यदि आप अच्छे तरीके से पूरा गौर करके इस वीडियो को देखोगे। यदि आप नहीं देखोगे तो आपको वीडियो के बारे में अच्छे से नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो अभी जो हमने अटीरियल की प्लानिंग करी है सेम अटीरियल की प्लानिंग सेकंड वाले की करनी है। तो उसमें क्या करना है, हमने जो फर्स्ट अटीरियल है उसका टाइम चेक करना है ताकि जो टाइम है वो हमारा आगे पीछे ना हो। जो फर्स्ट अटीरियल उसका टाइम हमने टोटली 18 मिनट बन रहे हैं, ठीक है। जो सेकंड अटीरियल है इसमें डिले हम 17 मिनट का डालेंगे ताकि जो 35 पे हमारा स्टार्ट हो जाए। तो सेकंड होने के बाद उसका हम थर्ड जो पोर्टल फेस है वो हमने 70 पे लेना है, 70 पे लेना है। हमने इतना इसमें डिले टाइम भर देना है ताकि जो हमारा पोर्टल है वो 70 पे चले। जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट है वो हमारी किताबों से देखकर स्टडी करते हैं, जो उनको पैनक्रियाटिक प्रोटोकॉल चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद पोर्टल होने के बाद जो वीनस फेस है वो हमारा 100 पे होना चाहिए। तो आप टाइम देख सकते हो, अपनी मशीन के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो। तो जो मेरा टाइमिंग इसमें ऐड हुआ है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसमें आपको इजीली दिख रहा होगा, इजीली समझ लग रहा होगा, ठीक है। डिले टाइम हमने कर दिया है फिल 100, और जो डिले टाइम है वो आप 3 मिनट का इसमें फिल कर सकते हो कि जो डिले है लास्ट वाला वो 3 मिनट के बाद अपने आप स्टार्ट हो जाए। वो तभी स्टार्ट होगा यदि आपने पाउज वाला बटन हटाया होगा। तो उसके बाद अभी मैं टेबल मूव कर रहा हूँ, मूव होने के बाद ऊपर टॉप पे हमारा टेबल चला गया है। तो अभी प्रीम नीटिंग के बारे में बोला कि आप प्रीम नीटिंग लीजिए, तो मैंने उस लोकेशन पे लाया जहाँ पे हमें चाहिए। तो प्रीम नीटिंग अभी हमारा सेट कर रहे हैं हम, प्रीम नीटिंग जिस लोकेशन में चाहिए मैंने वहाँ पे मॉनिटरिंग लगा दिया। पहले प्रीम नीटिंग वाला एरिया देखूँगा सही है, तो अभी मैं उस पर मॉनिटरिंग लगा रहा हूँ। हमारा मॉनिटरिंग वाला कट आ गया है। तो जो ROI है तो मैंने उसको स्कैन के बीच में नहीं लगाया, ऑर्गन पे नहीं लगाया, एओटा पे नहीं लगाया, मैंने हवा में लगा दिया कि मैं इसमें मैनुअल करूँगा। यदि मैं म्योटा पे लगाऊंगा तो इसमें हमें एचयू वैल्यू बढ़नी पड़ेगी, जिस एचयू वैल्यू को देख के मशीन ऑटो स्टार्ट हो जाएगी। बट मैं इसको मैनुअली कर रहा हूँ, तो अभी मुझे इस ही लेवल पे मुझे चाहिए, तो मैं इसी लेवल पे मैं एओटा में कॉन्ट्रास्ट देखूंगा। अभी प्रेम रेटिंग का देखो स्टार्ट का ऑप्शन आ गया, तो इसमें मैं कॉन्ट्रास्ट और जो हमारा इंजेक्टर वाला है वो उसको दोनों को प्रेस करूँगा। स्टार्ट होने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं मशीन को चलने दूँगा। मैंने पेशेंट को समझा दिया अच्छे से सांस रोकने के लिए, मेडिसिन के बारे में कनेक्ट कर दिया है दोनों को लाइन को कि इतने स्पीड से कॉन्ट्रास्ट जाएगा और इतने से जाएगा। मैंने पेशेंट का वेट था इसमें 90 था, तो मैंने पेशेंट को 20 ml बढ़ाकर ही कॉन्ट्रास्ट दिया है ताकि जो हमारा कॉन्ट्रास्ट है वो अच्छा आए, और इसमें 10 ml तो हमारा लाइन में ही रह जाएगा। स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको मैंने मॉनिटरिंग सेट कर दी, कॉन्ट्रास्ट सारा सेट कर दिया, पेशेंट को समझा दिया। समझाने के बाद अभी मैंने मशीन को ऑन करूँगा। आपको टाइम अच्छे से दिख रहा होगा, यदि आप टाइम देखना चाहते हो तो मैं दोबारा से आपको टाइम दिखा देता हूँ, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फर्स्ट हमें चाहिए अटीरियल, ठीक है, जो अपना अटीरियल उस कोडिंग हमें सेकेंड वाला चाहिए 35 पे, थर्ड वाला 70 पे, और उस 100 के बाद जो तीसरा वाला है वो हमें 3 मिनट पे चाहिए। अब डोमर, तो अभी मैं स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने के बाद जो हमें मोनिटरिंग है हमारे सामने आएगी, 1 2, तो मैं साथ साथ कॉन्ट्रास्ट दे दिया है, 3 4 5 6 7
आठ सात पे हमें कंट्रास्ट दिखाई दे रहा है, जैसे आयोटा में आएगा तो हमने सात के साथ इसको क्लिक कर देना है। ये देखिए आयोटा पे आया तो मैंने मशीन को ऑन कर दिया, अभी हमारी जो स्कैन सांस रोकने को बोल रही है साथ साथ में स्कैन हमारी चल पड़ी है। ये देखिए फिर किडनी के लोअर पोल पे जाके हमारा रुक गया है, जो फर्स्ट अटीरियल अर्ली अटीरियल है वो हमारा फिनिश हो गया है। तो अभी जो सेकंड है वो चल रहे हैं, तो 35 पे हमारा सेकंड अटीरियल चलेगा, डिले अटीरियल जैसे हम बोलेंगे। सांस रोकने को बोला अभी, तो अभी स्टार्ट हो गया दोबारा। तो ये भी हमारा लोअर पोल पे आके रुका है, तो इसमें क्या हुआ, डिले अटीरियल है। अर्ली अटीरियल में क्या हुआ, जो हमारा एकदम से आया तो हमने साथ के साथ इसका अटीरियल ले लिया, और डिले अटीरियल में जैसे अटीरियल में पूरा भर गया थोड़ा निकलने का टाइम हुआ तो हमने डिले अटीरियल ले लिया है। तो अभी पोर्टल का चल रहा है सेम एरिया हमने लिया हुआ था, सांस रोकने को बोल रहा है तो अभी नीचे से ऊपर को जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं काउडल टू क्रेनियो। ये हमारा पोर्टल फेस है, बहुत अच्छे से आया हुआ, पूरा भर के आया हुआ है। तो ये भी कंप्लीट हो गया है, तो ऊपर टॉप पे हमारी जो मशीन का टेबल है वो टॉप पे चला गया है। उसके बाद अभी जो डिले टाइम हमने भरा हुआ था 70 पे हमारा दोबारा स्टार्ट होएगा, वीनस फेस ऊपर से लेके डाउन तक जाएगा, क्रेनियो टू काउडल। ये देखिए स्टार्ट हो गया है, वीनस फेस भी हमारा पूरा अच्छे से भरा हुआ आया है। पूरा फुल फिल वीनस फेस पैनक्रेटिक स्टडी में आपके सामने है। तो अभी डिले जो हमने लेना है इसका 3 मिनट पे, जो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है ना, 2.5 मिनट पे या 3 मिनट पे आप लेना है तो आप ले सकते हो उस अकॉर्डिंग। तो जैसे ये देखिए हमारा डिले है, वो भी डिले अभी स्टार्ट हो गया है, काउडल टू क्रेनियो, सॉरी क्रेनियो टू काउडल कंप्लीट हो गया है। जो हमारी स्टडी है वो सारी कंप्लीट हो गई है। तो इसमें जो फर्स्ट अटीरियल है उसका रिकॉन चल रहा है, जो फर्स्ट है उसके 5 mm के कट से अभी उसका रिकॉन होके हमारे पास 1.5 या 1 mm के कट या इससे छोटे भी कट हम कर सकते हैं। तो आप मेनली समझ गए होगे पैनक्रियाटिक प्रोटोकॉल कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप और एक देखोगे कि इसमें हमने पेशेंट को ओरल नहीं दिया हुआ है, हम ओरल देंगे तो थोड़ा मे बी डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम ट्राईफेसिक में, पैनक्रियाटिक प्रोटोकॉल में या एनजीओ में, कभी एनजीओ में तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि हम पेशेंट को कंट्रास्ट देते हैं या नेगेटिव या पॉजिटिव, बट हम ट्राईफेसिक में या पैनक्रियाटिक प्रोटोकॉल में सिंपल पानी देते हैं पेशेंट को 1 लीटर तक पीने के लिए। यदि ज़्यादा से ज़्यादा फिर भी हमने कुछ अच्छा इसका वाल्व का डायग्नोस करना हो, जब उसमें प्रॉब्लम देखनी हो, तो हम नेगेटिव कंट्रास्ट दे सकते हैं पेशेंट को 1 लीटर तक, नहीं तो हम नॉर्मली पेशेंट को सिंपल पानी देते हैं जो हमारा बोतल में आता है, ठीक है। तो पेशेंट उसको पीता है, तो पीने के बाद जैसे वो फिनिश करता है 10 मिनट बाद हम अपना ट्राईफेसिक या पैनक्रियाटिक प्रोटोकॉल के लिए पेशेंट को ले लेते हैं। तो मे बी आपको अच्छे से डिटेल से समझ लग गया होगा कि पैनक्रियाटिक प्रोटोकॉल कैसे करते हैं, ईजी सबसे आसान तरीका। फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरीज आती, मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, यूट्यूब चैनल पे मेरे को कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आगे से आगे मैं आपको अच्छी अच्छी नॉलेज देता रहूँगा, अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, ताकि आप मेरे को भी आगे ग्रो कराओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।